नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं अनिश फ्रॉम द गैलेक्सी ऑफ सैमसंग यूजर्स और आज हम बात करने वाले इस सैमसंग के 4000 सीरीज के T4310 के 32 इंच एचडी स्मार्ट टीवी के बारे में, क्या आपको ये 2020 और में खरीदना चाहिए। देखेंगे इसकी पूरी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस टीवी के सारे फीचर्स इन डिटेल मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो ये रिमोट है उसके जो भी सारे फीचर्स है टीवी के साथ, अलग अलग फीचर्स है, वो भी कैसे यूज करने हैं वो भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं क्या आपको ये टीवी 2021 में खरीदना चाहिए। ये पहले तो आप यहाँ एक मल्टी फंक्शनल बटन है वो बहुत यूजफुल है, पर ये यहाँ पे भी हमें टीवी का रिमोट जो है उधर भी ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। मैं ऐसे करके ऑन भी करूँ तो भी ये स्विच ऑन हो जाता है। अब देखिए थोड़ा लैग है, हाँ 1 सेकेंड के आसपास का इसका जो टाइम है वो थोड़ा लैग होता है। इससे आप बटन दबाते हो थोड़ा हल्का सा लैग रहता है। एक एंड्रॉइड टीवी नहीं है, सैमसंग का टाइजन ओएस जो है उस पर ये बेस्ड टीवी है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है आपके खरीदने में। वीडियो ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ये जो 32 इंच का एचडी पैनल है बहुत ब्राइट है, अच्छा है, बहुत अच्छे से इसके कलर्स वगैरह भर के आते हैं, मस्त दिखते हैं, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें 20 वॉट के स्पीकर्स है, 10 वॉट इस साइड 10 वॉट उस साइड, और डॉल्बी एटमॉस के डिजिटल सपोर्ट के साथ आते हैं जो काफ़ी बेहतरीन है। 0 to 100 ऑफकोर्स जा सकते हैं आप, मैक्सिमम 60 to 70 इसका वॉल्यूम रखने पर ही बहुत अच्छे से सुनाई देता है आपको, 80, 90, 100 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छोटा सा गेमिंग का भी ऑप्शन है इसमें, ट्यून स्टेशन जो है म्यूजिक के लिए, गाना ऐप से रिलेटेड है ये, मस्त मस्त रेट्रो वगैरह थीम्स आपको इधर दिख जाएंगे, थीम्स वगैरह आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ये रिमोट देख लीजिए आप, रिमोट में भी भर भर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें सारे ऐप्स आते हैं, ऐप स्टोर में जो टीवी के साथ कंपेटेबल ऐप्स है वो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक वॉच मिल जाता है आपको, यूट्यूब, आपके सैमसंग के फोन के गैलरी के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हो सैमसंग अकाउंट की मदद से, और एप्पल टीवी का भी सपोर्ट है इसमें, Z5, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, उसके तो बटन्स यहाँ भी दिए हुए हैं, और सैमसंग इंटरनेट इस पर आप चला सकते हो। ऐप्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, चाहे वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो यहाँ पे भर भर के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सब ऑप्शंस है आप देख सकते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में एक ही ऑप्शन है वो है अपने मेन टीवी का प्लग का, और जो अपना बाकी का HDMI का काम है, टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया, जो भी आप अलग अलग चैनल्स देखते हो वो तो आराम से चली जाते हैं इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप आपके लैपटॉप को भी इससे कनेक्ट कर सकते हो, और स्मार्टफोन में तो ऑप्शन ही है स्मार्ट व्यू का, उससे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आपके घर में वाईफाई हो तो उससे भी ये कनेक्टेड रहता है, हाँ, पर इसमें वॉइस असिस्टेंट के सपोर्ट नहीं है, ना बिक्सबी है, ना गूगल है, ना एलेक्सा है, शायद अपडेट में आ जाए पर फिलहाल तो नहीं है। जो पिक्चर मोड, साउंड मोड, साउंड आउटपुट वगैरह है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। ये रहे आपके स्क्रीन पर इसके कुछ और अलग अलग फीचर्स। तो दोस्तों एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 18,000 के प्राइस पॉइंट पर ये आपको ऑफलाइन मार्केट में जो टीवी मिलता है बहुत बढ़िया है, आप अभी भी ले सकते हो। वीडियो ऑडियो क्वालिटी मस्त है, फीचर्स भी भर भर के दिए हुए है। इसका रिमोट का जैसे मैंने कहा वीडियो किया हुआ है, रिमोट का मतलब सारे फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं, इसके कैसे यूज करने, पॉपुलर वीडियो हो गया है वो, बहुत जरूर देख लीजिए। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट्स में मुझे अपने डाउट जरूर पूछ के जाना, मैं जरूर उनको रिप्लाई करूंगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।